अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मैथमेटिक्स टीचर उसामा सईद। ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.2, दैट इज ऑन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड ऑन द सम थ्योरम्स, दैट इज अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या कह रहे हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। आपको नीचे कुछ नंबर दिए हैं और आपको कह रहे हैं कि ये चेक करें कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है। अगर आपके पास इस तरह के कोई तीन नंबर्स हो, डेट इज़ ए, बी और सी, तो उनको कंटिन्यूटी के लिए चेक करने के लिए आप उसके लिए लिखोगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी अगर आ गया तो बी बाई डी अगर आ गया इक्वल आ गया तो उस टाइम आप फिर कहोगे कि दीज क्वान्टिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आया तो फिर आपने कहना है कि दीज आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे कि अब हम इसको करें तो इसको आप गिवन में राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में आप लिख के चेकिंग फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसके सोल्यूशन को आप देखें, डेट इज 4, 12 एंड 36। तो 4, 12 को 36 को चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, हेयर ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 12 एंड सी इक्वल्स टू 36। सो डेट इज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी होता है। सो ए रेशो बी क्या होता है, डेट इज 4 रेशो 12 प्रोपोर्शन, फिर बी रिपीटेड होता है, सो डेट इज 12 रेशो सी होता है, तो सी के लिए 36 लगा है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद फिर आपने कंटिन्यू आपने फिर अगर इस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि ए बाई बी फॉर्म में लिख के इक्वल्स टू सी बाई डी तो वो भी ठीक है। इधर हमने फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर आ गया तो फिर हम कहेंगे इक्वल आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये तीन नंबर जो है हमें में जो मिले हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आप देखिए 4 मल्टीप्लाई विथ 36 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विथ 12 आना चाहिए, सो 12 इज 44 एंड 4 36 इज 144। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो डेट्स 5, 4, 12 एंड 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, नो कम टू द सेकेंड पार्ट, डेट इज 3, 12 एंड 39। इसको हम चेक करें कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो डेट इज ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 12 एंड सी इक्वल्स टू 39। इसको आप गिवन में राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में आप लिख के चेकिंग फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसके सोल्यूशन को आप देखें तो आप इसको रिपीट करें अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 4 रेशो 12 विल बी इन प्रोपोर्शन विद 12 रेशो 39। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो 4 मल्टीप्लाई विथ 39 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विथ 12, सो डेट इज 12 इज 144, वाइल द 3 मल्टीप्लाई विथ 39 इज 117। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, डेट इज इम्पॉसिबल, डेट इज 144 नॉट इक्वल्स टू 117, सो डेट्स वाई 3, 12 एंड 39 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, नाउ कम टू थर्ड पार्ट, डेट इज 72, 24 एंड 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर नॉट। सो इसको गिवन में आप राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में आप लिख के चेकिंग फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसके सोल्यूशन को आप देखें तो इधर आप लिख के अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन डेट मस्ट बी इन द फॉर्म ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, सो डेट इज 72 रेशो 24 प्रोपोर्शन विद 24 रेशो 8। द प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, सो डेट इज 72 मल्टीप्लाई विथ 8 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई विथ 24। आप इधर इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल होते हैं। सो 24 मल्टीप्लाई विथ 24 इज 576 एंड 72 मल्टीप्लाई विथ 8 इज 576, सो डेट्स वाई 72, 24 एंड 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इधर तक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे, डेट इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। याद रखिए कि मीन प्रोपोर्शन को हम कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, तो इनके दरमियान जो मिसिंग वैल्यू है इसको हम जो है फाइंड कर रहे हैं, तो वो इसको जनरली हम मीन कहते हैं, लेकिन उसको मैं डिनोट कर दूंगा एक्स से क्योंकि वो अननोन है। तो इसके गिवन में आप लिखे फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन डेट आर 12 एंड 3, इसके रिक्वायर्ड में आप लिखे मीन प्रोपोर्शन आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन।
सॉल्यूशन को आप देखें, ये हमने रिपीट किए। अच्छा, इधर हम कह देंगे कि लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। देन जब इसका ये मीन प्रोपोर्शन होगा तो मीन तो दरमियानी वैल्यू के कहते हैं, सो डेट्स वाई 12 रेशो x प्रोपोर्शन एक्स रेशो 3 आना चाहिए, आर इन क्राउन रूट प्रोपोर्शन। इधर आप लिखें 12 रेशो x प्रोपोर्शन एक्स रेशो 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिस तरह इधर लिखा है 12 रेशो x इक्वल्स टू एक्स रेशो 3। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, या फिर अगर आप इस तरह लिखते हैं ए रेशो बी को आप ए बाई बी फॉर्म में लिखते तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इधर हमने वो यूज़ किया है, सो डेट इज 12 बाई x इक्वल्स एक्स बाई 3। इसको आपने सॉल्व करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करें, सो 3 मल्टीप्लाई विथ 12 एंड x मल्टीप्लाई विथ x, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 3 is 36 एंड x इंटू x इज x स्क्वेयर। बोथ साइड का स्क्वेयर रूट करने के बाद आपको x की वैल्यू प्लस माइनस 6 मिल जाएगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास जो दो वैल्यूज है डेट इज 12 और 3, उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो तो या तो प्लस 6 हो सकता है या माइनस 6 हो सकता है। अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज If 5 रेशो 15 रेशो x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर 5, 15 और x कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर आप x की वैल्यू को फाइंड करें। तो जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए तो ये 15 क्या होगा, ये रिपीटेड होगा। सो एस 5, 15 and x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो वी हैव टू राइट। इसके बाद आप ये स्टेप लिख के 5 रेशो 15 प्रोपोर्शन 15 रेशो x, और इसके बाद फिर आप लिख सकते हैं ए रेशो बी को ए बाई बी फॉर्म में, सो डेट इज 5 बाई 15 इक्वल्स टू 15 बाई x। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 x के साथ चला जाएगा प्रोडक्ट में, और 15, 15 के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। आप फिर x को फाइंड करने के लिए बोथ साइड को x 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये 5 1s और 5 3s आ जाएगा, और 3 15s 45। तो इधर ये x की वैल्यू या थर्ड वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो है 45। तो इधर ये आप पुट करें तो ये फिर तीनों नंबर जो होंगे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन 4, डेट इज 3x-1 4, 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके गिवन में आप ये तीनों वैल्यूज लिखे, इसके रिक्वायर्ड में आपने लिखना है x, इसके सॉल्यूशन को आप देखें, सो डेट इज 3x-1। ये एक क्वांटिटी है, दूसरी 4 है और तीसरी 35 है। तो उन्होंने इन तीनों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बताया है, तो इसको फिर हम मजीद इधर इस तरह लिखेंगे 3x-1 ratio 4 प्रोपोर्शन 4 ratio 35। फिर उसके बाद आपने ये स्टेप करना है, देन हम लिख सकते हैं 3x-1 divided by 4 इक्वल्स टू 4 divided by 35। अच्छा, इसके बाद इसको आप जो है किस तरीके से करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से करें, तो 3x-5 के साथ 3x-1 के साथ 35 प्रोडक्ट में चला जाएगा, सिमिलरली 4 और 4 की प्रोडक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये 35 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो डेट इज 105x आ जाएगा, और 35 मल्टीप्लाई विथ -1 इज -35, एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 4 मल्टीप्लाई विथ 4 इज 16। इस इक्वेशन को हमने x के लिए सॉल्व करना है, तो इधर हम बोथ साइड को ऐड करेंगे 35 के साथ, तो एडिंग 35 ऑन बोथ साइड, सो 35 एंड -35 विल बी कैंसल आउट, एंड वी हैव 16 + 35 ऑन द नेक्स्ट साइड, सो इट इज 16 + 35 is 51। अच्छा, अब हम x में इंटरेस्टेड है, तो बोथ साइड को हमने 105 से डिवाइड करना है, तो इस साइड को भी 105 से डिवाइड किया, इधर भी 105 को डिवाइड किया, और फिर आपने इन दोनों को 3 से काटना है, सो 3 1 is 3 और ये 2 को दे देगा 7 is 21, तो 3 17s are 51 और 3 35s are 105। तो हमारे साथ जो x की वैल्यू है वो इधर होती है 17 बाई 35। तो फिर ये तीन क्वांटिटीज जो बनेंगी
वो तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगी। अच्छा, नाउ कम टू द क्वेश्चन फिफ्थ, दैट इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये असल में दो क्वांटिटीज है, एक ये पूरी क्वांटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी ये क्वांटिटी ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। इन दोनों क्वांटिटीज़ का आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन को तो हम एक्स कहते हैं ना जनरली, जो इन दोनों के दरमियान फॉल होता है, तो वो हम फाइंड करें। तो इसके गिवन में आप ये तो क्वांटिटीज़ लिख के, इसके रिक्वायर्ड में आपने लिखना है मीन प्रोपोर्शन, और सोल्यूशन को आप देखें, उन दो क्वांटिटीज़ को रिपीट किया और कहा कि लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो जब इसके मीन प्रोपोर्शन को मैंने एक्स कहा, तो फिर क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो एक्स, फिर प्रोपोर्शन लगाए और फिर लगाए एक्स रेशो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट बन गया ना, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। इसके बाद हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम ये दो वैल्यूज है और मीन ये दो वैल्यूज है, तो इसको हम लिख सकते हैं मीन इनटू मीन, सो दैट इज एक्स इनटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखा और ये पूरा दूसरा नंबर है, तो इसको भी इसके साथ प्रोडक्ट में लिखा। सिंपल मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से किया। इसको हमने फॉर्मूले से स्प्लिट किया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। दोनों को स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने के बाद ये ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल हो रहे, तो ए प्लस बी प्रोडक्ट में आ जाएगा, सो डेट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर। अच्छा, बोथ साइड का स्क्वेयर रूट करने के बाद आपकी दोनों स्क्वेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपकी एक्स की वैल्यू रह जाएगी प्लस माइनस इंटू ए प्लस बी। सो द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू वैल्यूज इज प्लस माइनस प्लस इंटू ए प्लस बी आर माइनस इंटू ए प्लस बी। कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, डेट इज इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देन प्रूव डेट ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके पास ये एक वैलिड रिजल्ट है, तो फिर आप इससे ये शो करके दे, ये दिखा दें कि ये इससे प्रूव होता है। तो मैंने गिवन को हटाया और मैंने ये शो करना है, तो गिवन को मैंने लिया। अब अगर आप गौर करें तो इधर आपको ए के साथ सी नज़र आ रहा है, ठीक है, और इधर आपके पास जो है बी के साथ आपको डी नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया, सो सी बाई डी इक्वल्स टू ए बाई बी हम लिख सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करें आप बोथ साइड को ए बाई बी के साथ, ए बाई बी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये साइड भी मेरे साथ इस, अगर मैं इसको ए बाई बी से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये ए बी या सॉरी ये ए सी डिवाइड बाई बी डी बन जाएगा, और इस साइड को आप लिख के ए बाई बी को आप मल्टीप्लाई करें ए बाई बी के साथ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। सिंपल ये इधर इस तरह हुआ है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिखा गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। अगर आप नहीं लिखते तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट आपने ये लिखना है कि बोथ साइड को आप ए बाई बी से मल्टीप्लाई करें। तो जब इधर ए बाई बी मल्टीप्लाई होता है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ आपको ए सी ले देता है, डिनोमिनेटर के साथ वो बी डी देता है। सिमिलरली ए इंटू ए आपको ए स्क्वायर देता है और बी इंटू बी आपको बी स्क्वायर देता है। होप दिस इज अंडरस्टूड। इसके बाद इस पे हमने जो है कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कंपोनेंट डिवाइडेंड। याद रखिए कि ए सी एक नॉमिनेटर है, बी डी एक डिनोमिनेटर है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर एक डिनोमिनेटर है, जबकि बी स्क्वायर एक डिनोमिनेटर है। तो मीन नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर मीन्स नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे क्या होगा, नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस साइड पे भी नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का किस्सा आ जाएगा। सो डेट इज़ बाय अप्लाइंग द कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। तो ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप ये देखें ना, बस ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। वेरी इजी, इसको दोबारा देखें, ये गिवन कोटा ले आप, इसके बोथ साइड के साथ आप ए बाई बी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिंपली कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट, इस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक
सारे क्वेश्चंस की। काइंडली इसकी आप पहले ये रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर लें और इसके बाद इसको नीट नोटबुक में अच्छी तरह राइट करें। थैंक यू।